Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। जनक, तुम अपने संवाद बोलो। हे सीते, श्री राम ने तुम्हें स्वयंवर में जीत लिया है। अब श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उसे वरमाला पहनाइए। राम, तुम भी डालो ना। मनु दीदी, ये सीते तो बहुत लंबी है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता, तुम पर आ दो ना। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। गुंचे है दिल गिरफ्तार, गुलों के जिगर है चाक, करती है बुलबुले यही फरियाद दर्दनाक। मनु दीदी, देखो मैंने सीते को माला पहना दी। बस बस, अब सीता स्वयंवर हो गया ना, अब हम रावण के वध का अभ्यास करेंगे। लेकिन क्यों मनु, अभी अभी तो सीता विवाह खत्म हुआ है और रावण वध इतने जल्दी? क्योंकि अब रावण के वध का समय आ गया है। आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से, प्यारा वतन हमारा। ये तो क्रांति गुरु कहता है। क्रांति गुरु की पंक्तियां? हाँ कांता, वो हम सबके दिल की बात कहता है। जिस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी प्रकार फिरंगियों ने हमारी धरती माँ का अपहरण किया है। इसलिए हम सबको राम बनना होगा, ताकि हम अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों से आजाद कर पाए। तो वही चूड़ियां हैं जिसके टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले थे। इसका मतलब क्रांति गुरु कहीं मनु भाई। दादी माँ। हाँ कृष्ण राव, आप केवल इस बिसात पर अकेले अपनी चालें खेलती रही है और उधर मंजली दादी ने अपनी चाल भी चल दी है। ठहर बेटा, ठहर। तेरी दादी की चाल आखिरी चाल होती है। लेकिन मंजली दादी तो अपनी क्या समाचार लाई है? कुछ पता चला कि जानकी बाई गंगाधर राव के विवाह के लिए इतनी आतुर क्यों है? महारानी साहिबा, उन्होंने झांसी की रानी ढूंढ ली है। कौन है वो? वो कोई साधारण कन्या नहीं है, विष कन्या है, विष कन्या।
इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि मानो भाई अगर क्रांति गुरु है तो बचकर भाग नहीं पाएगी। रूपन, तुम एक काम करना, रात को बाजीराव के महल के बाहर फेरे देना। अंडरस्टैंड? जी सरकार। यू आर फिनिश्ड मनोभाई। सबसे पहले तुम्हें युद्ध कला सीखनी होगी जिससे हम रावण का वध करेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम धनुष द्वारा तीर चलाएंगे। पर मन्नू दीदी, हम भी? हाँ हाँ, सब कोई। पर मन्नू दीदी, तो मैं तीर से भी छोटी हूँ, मैं कैसे चलाऊंगी? प्राची, तुम तो राम हो ना, और जानती हो राम के पुत्र लव और कुश जो कि तुमसे भी छोटे थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रोक लिया था और पूरी सेना को हरा दिया। तो फिर मैं भी रावण की सेना को हराऊंगी और मैं सीता भी तीर चलाने। नहीं नहीं, हम कैसे तीर चलाएंगे? नहीं नहीं वैशाली दीदी, आपको तो सीखना होगा। आज के रावण को मारने के लिए सीता अवश्य तीर चलाना सीखेगी। परंतु हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं वैशाली दीदी, हम है ना, नाना भाऊ भी सिखाएंगे। क्यों नाना भाऊ? नाना भाऊ, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आइए ना, हमारे सीता को सिखाइए। नहीं नहीं, हाँ क्यों नहीं। चलिए अभ्यास करते हैं। आपने तो हमें एक तारा बजाना सिखाया नहीं, लेकिन हम आपको तीर चलाना अवश्य सिखा देंगे। चलिए जी। तीर चलाने के लिए धनुष की आवश्यकता होती है। प्रत्यंचा चढ़ाइए। प्रत्यंचा? हाँ। कैसे? ऐसे जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तीर चल जाएगा और आप घायल हो जाएंगी। तो फिर? अब चलाइए। प्राची, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मनु दीदी, मनु दीदी! सुनो सुनो, विदुर वासियों सुनो, सरकार की ओर से कुछ खबरी सुनो। कंपनी बहादुर ने क्रांति गुरु को पकड़ लिया है। सुनो सुनो सुनो, क्रांति गुरु पकड़ा गया? किसको पकड़ लिया?
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।